भिलाई के लघु उद्योगपतियों से स्क्रैप खरीदी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस की मदद से दुर्ग पुलिस ने माना एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी फ्लाइट में बैठ चुका था, लेकिन दुर्ग पुलिस रायपुर एयरपोर्ट के सीआईएसएफ व माना थाना पुलिस की मदद से प्लेन को रुकवाया और आरोपी को फ्लाइट से उतार कर गिरफ्तार किया। इस पूरे घटनाक्रम की वजह से प्लेन 5 मिनट की देरी से कोलकाता के लिए उड़ान भरा। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि एसएमएस वेंचर्स आरएस ट्रेडर्स कंपनी के संचालक गोविंद अग्रवाल और हथखोज के हामिद सिद्दीकी ने भिलाई 3 थाने में करोड़ों रुपए की ठगी की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पूरी कार्रवाई की गई। पुरानी भिलाई में आरोपी अनिल राय के विरुद्ध 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। दोनों 420 से संबंधित हैं। इन अपराधों में अनिल राय ने करीब 62 लाख का गड़बड़ किया है। उनसे इस पैसा को प्राप्त करके माल सप्लाई नहीं किया है। अनिल राय के विरुद्ध गोविंद अग्रवाल और हामिद सिद्दीकी ने थाना कुर्सीपार में रिपोर्ट किया है। आरोपी अनिल राय काफ़ी होशियार था, बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। इसका लोकेशन पता करने पे पता लगा कि ये एयरपोर्ट रायपुर में है। इस संबंध में घेराबंदी की गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की गई और इसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 1 दिन के पुलिस रिमांड में है, इससे पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी मूल रूप से औरंगाबाद महाराष्ट्र का निवासी है। वर्तमान में वो हड़पसर पुणे में निवास कर रहा है। अनिल राय के संबंध में और कहीं और किसी प्रदेश में इस प्रकार के अपराध की जानकारी नहीं है। थाना पुरानी भिलाई में इस संबंध में एक आवेदन और लंबित है, जिस पर भी कार्रवाई की जाएगी।